देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है जहां हम बात करते हैं बड़े पर्दे की उन सितारों के बारे में जो बड़े पर्दे पर आपको एंटरटेन करते हैं, लेकिन इनके असल जिंदगी में क्या चल रहा होता है, किसके साथ कंट्रोवर्सी है, किसके साथ है किसी का अधूरा किस्सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आज बात करते हैं एक्टर सैफ अली खान के बारे में। देखिए, सैफ अली खान का पूरा खानदान जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक है, पटौदी खानदान से ताल्लुक रखते हैं, खुद नवाब हैं। सैफ अली खान के महल जैसे बंगलों में कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है और सैफ अली खान की अगर कहानी बताने चले तो कई ऐसे किस्से हैं जो बॉलीवुड में सामने आ जाएंगे। तो एक ऐसा ही किस्सा आज आपको सुनाने जा रहे हैं। सैफ अली खान का पूरा परिवार आखिर किससे रखता है ताल्लुक, आज इसके बारे में करेंगे बात। दरअसल सैफ अली खान का खास रिश्ता रविंद्रनाथ टैगोर से है। जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर से सैफ अली खान का खास रिश्ता है। अब आप कहेंगे कि ये क्योंकि शर्मिला टैगोर फैमिली से आती हैं तो शायद इसीलिए। बात तो कहीं ना कहीं सही है, लेकिन आखिर रिश्ता क्या है इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर टैगोर फैमिली से कैसे रविंद्रनाथ टैगोर जुड़े और कैसे ये रिश्ता जो है आगे बढ़ा, सैफ अली खान तक आया, और आखिर सैफ अली खान रविंद्रनाथ टैगोर को क्या लगते हैं, क्या है इनका असल में रिश्ता, क्या है ये अनसुनी कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। हाल ही में सैफ अली खान ने अपना 53वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया था, जिसके बाद बॉलीवुड के कई चेहरों ने उन्हें शुभकामना दी थी। सारा अली खान ने अपने डियरेस्ट अब्बा का जन्मदिन बेहद खास तरीके से मनाया। तो चलिए आज के इस रिपोर्ट में आपको भी बताते हैं सैफ अली खान के परिवार से जुड़ा एक अनसुना किस्सा। क्या आप जानते हैं कि सैफ अली खान का रिश्ता रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़ता है? जी हाँ, चलिए बताते हैं कि आखिर कैसे। सैफ अली खान का जन्म 16 अगस्त को हुआ था। सैफ लेजेंडरी क्रिकेटर मैसूर अली खान पटौदी और शर्मिला टैगोर के बेटे हैं। सिनेमा में ऐसे कई कलाकार हैं जो प्रभावशाली परिवारों से आते हैं, कोई राजनीति से तो कोई बिजनेस फैमिली से। तो ऐसे ही सैफ भी एक कलाकार में शामिल होते हैं जिनकी जड़ें नवाबों तक जाती हैं। सैफ के पूर्वजों के पास रियासतें थी। सैफ अली खान के दादा इफ्तिखार अली खान एक मशहूर क्रिकेटर थे। उनका जन्म 16 मार्च 1910 को दिल्ली के पास एक गैर रियासत राज्य में हुआ, जिसे आज हरियाणा के नाम से जाना जाता है। उनकी दादी भोपाल की बेगम साजिदा सुल्ताना से हुई थी। उनकी शादी होने के बाद भारत और इंग्लैंड के लिए उन्होंने खेला था। वह भारत और इंग्लैंड के लिए खेलने वाले एकमात्र टेस्ट क्रिकेटर थे। उन्होंने साल 1932 और 1943 में इंग्लैंड के लिए खेला था। वहीं 1946 में वो इंडियन टीम के कप्तान भी रह चुके थे। 5 जनवरी 1952 को उनका निधन हो गया था। अगर बात करें सैफ अली खान के दिवंगत पिता मैसूर अली खान पटौदी की, तो वे भारतीय क्रिकेटर के साथ साथ पूर्व क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके थे। उनका जन्म भोपाल में हुआ था। सैफ अली खान के पिता मैसूर अली खान या एमके पटौदी के नाम से वो जाने जाते थे। मैसूर अली खान का उपनाम टाइगर पटौदी था। पटौदी का नवाब भी उन्हें कहा जाता था। वे अपने जमाने के चर्चित चेहरे थे। अब बात करते हैं शर्मिला टैगोर की, और यहीं से शुरू होता है रविंद्रनाथ टैगोर के साथ सैफ अली खान का रिश्ता। शर्मिला टैगोर सैफ अली खान की मां अपने जमाने की मशहूर एक्ट्रेस थी। उनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। सैफ की मां शर्मिला की शादी के बाद इस्लाम धर्म को शर्मिला ने कबूल कर लिया और अपना नाम बदलकर बेगम आयशा सुल्ताना खान रख दिया था। वहीं शर्मिला टैगोर के परदादा गगनेंद्र नाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे थे। शर्मिला की नानी रविंद्रनाथ टैगोर के भाई द्विजेंद्र नाथ टैगोर की पोती थी। इस हिसाब से रविंद्रनाथ टैगोर का रिश्ता सैफ अली खान से भी जुड़ता है।
शर्मिला टैगोर और मैसूर अली खान के बेटे छोटे नवाब के तौर पर जाने जाते हैं। साल 2011 में पिता के निधन के बाद पटौदी परिवार के 10वें नवाब की उपाधि मिली। उनकी शुरुआती शिक्षा हिमाचल से हुई, वहीं आगे की पढ़ाई उन्होंने यूके में की। पहले तो उन्होंने एक एडवर्टाइजिंग फर्म में काम किया, फिर कुछ दिन बाद उन्होंने जॉब छोड़ माँ की तरह ही बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला लिया। अभी तक सैफ अली खान ने लगभग 60 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। इसमें ओमकारा, हम तुम, लव आजकल उनकी हिट फिल्मों में से एक है। अमृता सिंह अपने ज़माने की हिट एक्ट्रेस थी। सैफ और अमृता एक फोटोशूट के दौरान मिले थे, इसके बाद दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ गई। फिर 1991 में उन दोनों ने शादी रचा ली। सैफ अली खान अमृता सिंह से 12 साल छोटे हैं। हालांकि दोनों ने साल 2004 में आपसी सहमति के साथ अलग होने का फैसला लिया था। सैफ अली खान के आज 4 बच्चे हैं। सारा अली खान की अगर बात करें तो सारा की पढ़ाई कोलंबिया से हिस्ट्री व पॉलिटिकल साइंस की ग्रेजुएशन के साथ हुई है। वहीं इब्राहिम अली खान ने करण जौहर को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में सहायक निर्देशक के तौर पर असिस्ट किया। अब वो फिल्म से डेब्यू करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सैफ और करीना फिल्म टशन में साथ आई और साल 2012 में इन्होंने निजी समारोह में शादी रचा ली। हर किसी को चौंका दिया था जब सैफ और करीना की शादी हुई। सैफ और करीना के आज 2 बेटे हैं। सैफ की बहन सबा फिल्मी दुनिया की चकाचौंध से दूरी बनाना ही पसंद करती हैं। सबा को फोटोग्राफी करना और गहने डिजाइन करने का शौक है। टैरो कार्ड रीडर में उनकी रुचि है। वो शर्मिला और मैसूर अली खान की एकमात्र संतान है जिन्होंने फिल्मों में कदम नहीं रखा। सबा के विपरीत सोहा अली खान ने फिल्मों में अपनी किस्मत अपना आजमाई। दिल मांगे मोर, रंग दे बसंती, तुम मिले जैसी फिल्मों में काम किया। उनकी शादी बेहतरीन एक्टर कुणाल खेमू के साथ हुई और दोनों की एक बेटी इनाया भी आज है। सैफ अली खान की दूसरी बहन बेहद ही कम नजर आती है, इसलिए ज्यादातर लोग उन्हें पहचान भी नहीं पाते। आपने देखा इस रिपोर्ट में कि सैफ अली खान का रिश्ता रविंद्रनाथ टैगोर के साथ आखिर कैसे जुड़ा है, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आखिर असल में रविंद्रनाथ टैगोर सैफ अली खान की क्या लगेंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।